प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो उधर हूँ आप सबके बिन। आप देख रहे हैं सत्य भैरवी चैनल। वेलकम टू सत्य भैरवी चैनल। कैसे हैं दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम प्रयोग करने वाले हैं ऐसा पिक्चर है जो आपको देखते ही सोच में पड़ जाएंगे। उस पिक्चर का नाम है लाल कप्तान। जी हाँ दोस्तों, नाम भी थोड़ा अलग है और इसमें जो हीरो ने जो एक्टिंग की है और ऐसी एक्टिंग की है आपको ने ऐसे अवतार में कभी आपने देखा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे हीरो सैफ अली खान। सैफ अली खान को आपने किसी कभी भी इसी अवतार में देखा नहीं होगा। इस अवतार में आपको अलग से दिखाई देंगे, एक ऋषि मुनिवर की तरह दिखाई देंगे। हमेशा क्रोधित रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं ट्रेलर की शुरुआत से लेकर अंत तक, और एक बदले की भावना में रहते हैं और बदला लेना चाहते हैं हर हाल में, बस यही सोच में रहते हैं और हर वक्त हर सीन में आपको मार काट करते आपको दिखाई देंगे। और उनका जो गेटअप है तकरीबन एक इंग्लिश मूवी से जैसा कॉपी मारा कह सकते हैं। एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नाम का एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें जैक स्पैरो नाम के कैरेक्टर का एक ड्रेस कोड का एक छोटा सा हिस्सा इन्हें दिखाया गया है। इन्हें उस तरह मेकअप दिया गया है। इनकी हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल एकदम एक ऋषि मुनिवर की तरह है और एकदम गुस्से से दिखा देते हैं, माथे में तिलक लगा के विष्णु भगवान की तरह, बालाजी भगवान की तरह ऐसा उनका टीका है माथे में और एकदम गुस्से में दिखाई देंगे। और इस पिक्चर में हीरो के रोल तो कर रहे हैं हमारे सैफ अली खान और उनके सपोर्टिंग एक्टर्स है जोया हुसैन और अदे, और दूसरे सपोर्टिंग एक्टर है मानव, जो मानव विज के नाम से जाने जाते हैं, और मिस्टर दीपक दबोरिया दबोरियाल दीपक दबोरियाल है उनका पूरा नाम, और दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है सिमोनी सिंह। दरअसल इस पिक्चर के ट्रेलर में आप देख सकते हैं, आप सपोर्टिंग एक्टर दीपक को देख सकते हैं, काफी खुले बाल है उनके और उनके साथ दो कुत्ते हैं और जो हैट पहने रहते हैं जैक स्पैरो को जो हैट है आपने देखा होगा अगर आपने इंग्लिश पिक्चर द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसे हिंदी में भी डबिंग किया गया था समुद्र के लुटेरे के नाम से, और जैक स्पैरो नाम का कैरेक्टर काफी फेमस हुआ था उसमें। जो जैक स्पैरो जो उन्होंने जॉनी दीप जो हॉलीवुड एक्टर है जो उन्होंने पहना था वो हैट, सेम वैसे ही हैट इसमें दीपक को पहना दिया गया है जो सपोर्टिंग एक्टर है, और साथ में दो कुत्ते लेके घूमते हैं वैसा सीन दिखाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो एक बात का काफी ध्यान दीजिएगा जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को भी दिखाया जाता है, उसमें अपना चेहरा छुपाए रहती है और सैफ अली खान से बात करती है। इस बात का ध्यान दें क्योंकि इसमें सोनाक्षी सिन्हा का वॉइस जरूर होता है। अब वॉइस से आपको पता चल जाएगा क्योंकि आंखें भी दिखाई दी जाती है क्योंकि चेहरे में पर्दा लिपटाई होती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि सोनाक्षी सिन्हा ही है। वाकई आपको ट्रेलर एक बार देखेगा आपको जरूर पता चलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पिक्चर जो है एक खास बात है, इस पिक्चर जो रिलीज होने वाली डेट है 18 अक्टूबर को, क्योंकि उस वक्त दशहरा का टाइम है तो शायद उस वक्त ये पिक्चर से चल जाए, क्योंकि ये दरअसल इसमें थोड़ा ट्रेडिशन दिखाया गया है माथे में टीका वीका लगा के और मारकाट होता है, और इस वक्त रिलीज कर रहे हैं जो अक्टूबर दशहरे के टाइम में, तो शायद ट्रेडिशनल टाइम के कारण ऐसे माहौल के कारण अच्छा चल सकता है। और बाकी देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगी तो पिक्चर कैसा चलेगा बॉक्स ऑफिस में, कैसे कलेक्शन करेगा और कैसे अपने टैलेंट को प्रेजेंट करते हैं, एक्टिंग टैलेंट को सैफ अली खान और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स जोया हुसैन, देखते हैं कैसे उनकी एक्टिंग रहेगी और स्टोरी क्या है। बाकी जैसा ये स्टोरी जो है 1780s की बात है राजस्थान में, जैसा दो भाई की कहानी है जिसमें एक भाई सैफ अली खान है और जो बन जाते हैं एक अघोरी की तरह, बदले लेने की आग में बदले लेने लगते हैं, इस तरह एक स्टोरी है। देखते हैं क्या होता है, जब पिक्चर रिलीज होगा तो पता चलेगा कि पिक्चर में स्टोरी क्या किस तरह है और किस तरह हमारे सैफ अली खान ने कैसे उन्होंने एक्टिंग की, क्योंकि उन्होंने काफी अलग एक्टिंग की अलग अंदाज में एक अलग कैरेक्टर में, हमेशा जो क्रोधित रहते हैं हमेशा एकदम गुस्से रहते हैं बदले लेने की आग में रहते हैं, और काफी अच्छा डायलॉग में थोड़ा उन्होंने बोला है आखिरी में। और बाकी देखते हैं क्या बॉक्स ऑफिस में क्या कलेक्शन कर पाती है, देखेंगे जरूर जब पिक्चर रिलीज होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और सत्य भैरवी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर में बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।